देश की राजधानी दिल्ली में संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन में अब केवल 48 घंटे बचे हैं और एक ओर जहां पर उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने की तैयारी चल रही है, वहीं विपक्ष भी इसके बहिष्कार करने को लेकर जोर लगा रहा है। इस बीच नई बिल्डिंग के उद्घाटन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को ना बुलाकर संविधान का अपमान किया जा रहा है। इस बीच उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाली पार्टियों की संख्या 21 हो गई है, तो वहीं समर्थन करने वाली पार्टियों की संख्या 2 दर्जन के पार हो चुकी है। करीब 45 दलों ने उद्घाटन समारोह का न्योता स्वीकार कर लिया है। बीएसपी ने भी प्रधानमंत्री द्वारा नई बिल्डिंग के उद्घाटन करने का समर्थन किया, लेकिन समारोह में आने को लेकर अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। 28 तारीख को कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7:30 बजे से होगी और दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी। सुबह पूजा पाठ के साथ शुरू होने वाले समारोह का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ होगा। आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता, पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, विधि विधान का खाका बन चुका है। विपक्षी दलों के विरोध से बेपरवाह सरकार ने तय कर लिया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन तय वक्त यानी 28 मई को ही होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। देश की जनता ने दो बार 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। ये देश की जनता का जनादेश, देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9-9 साल तक तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं दे, वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता, पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी के साथ। शाह के तेवर से साफ है कि विपक्ष के बहिष्कार का सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए 28 मई को संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन समारोह तय भव्य तरीके से होगा। सुबह 7:30 बजे से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हवन और पूजा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। सुबह 8:30 से 9 के बीच लोकसभा के अंदर सेंगोल को वैदिक रीति रिवाज से स्थापित किया जाएगा। इसके लिए तमिलनाडु के मठ से आए 20 स्वामी मौजूद रहेंगे। सुबह 9 बजे से 9:30 बजे प्रार्थना होगी, इसमें शंकराचार्य सहित कई विद्वान पंडित और साधु संत मौजूद रहेंगे। मैं नए संसद भवन के उद्घाटन पर पीएम मोदी से मिलूंगा और उन्हें सेंगोल भेंट करूंगा। नई बिल्डिंग के उद्घाटन का यह पहला चरण होगा जिसमें परंपराओं के मुताबिक विधि विधान होंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन का दूसरा चरण दोपहर 12 बजे से राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा। इस दौरान 2 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। राज्यसभा के नेता विपक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन होगा, लोकसभा स्पीकर का भी संबोधन होगा। इसके बाद सिक्के और स्टैंप रिलीज किए जाएंगे। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम का समापन होगा। नई बिल्डिंग के उद्घाटन की प्रक्रिया तय हो चुकी है, एक दूसरी प्रक्रिया भी चल रही है जिसमें उद्घाटन समारोह का विरोध और समर्थन करने वाले अपना अपना खेमा मजबूत कर रहे हैं। मोटी तस्वीर यह है कि अब तक उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाले दलों की संख्या 21 तक पहुंची है, जबकि समारोह में शामिल होने वाली पार्टियों की संख्या 2 दर्जन से ज्यादा हो चुकी है। कुल मिलाकर समर्थन करने वाली लिस्ट लंबी हो रही है और उम्मीद है कि 28 मई से पहले ये और लंबी हो सकती है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने कांग्रेस को झटका देते हुए कहा है कि वो इस समारोह में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस अपने फैसले पर अड़ी है, इसलिए अमित शाह ने तीखे तेवरों के साथ कांग्रेस को उसके कार्यकाल की याद दिलाई। छत्तीसगढ़ में
विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन एक तरह से सरकार और विपक्ष का फ्लोर टेस्ट बन गया है और मोदी सरकार इसमें बाजी मारती दिख रही है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा के 376 सांसद यानी 68% लोकसभा के सांसद नई संसद के उद्घाटन के समर्थन में हैं, जबकि विपक्ष में 168 लोकसभा सांसद यानी 31% सांसद इसके उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो 131 सांसद यानी 55% समर्थन में हैं और 104 राज्यसभा सांसद यानी 45% विरोध कर रहे हैं। यानी सरकार के पास यहाँ भी बंपर बहुमत है, इसलिए अमित शाह ने विरोध करने वालों को कांग्रेस से दूर रहने की नसीहत दी। भारतीय जनता पार्टी ने, हम विपक्ष में बैठे तब भी आपका सम्मान, कई सालों तक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई और दो दो बार पूर्ण बहुमत से चुनने के बाद भी आप देश के प्रधानमंत्री जी का सहयोग नहीं कर रहे हो, ये भारत की जनता के जनादेश का अपमान है। और जो दल कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों के रास्ते पर चलोगे तो कांग्रेस जैसी ही स्थिति होगी, इससे अच्छी स्थिति नहीं। कांग्रेस जहां विरोधी दलों के नंबर बढ़ा रही है, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने पूरी बहस को नया मोड़ देने की कोशिश की। बीजेपी ने भी खुला चैलेंज कर दिया। बिहार विधानसभा की नई बिल्डिंग का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था, राज्यपाल को नहीं बुलाया। इस सवाल पर ललन सिंह बिगड़ गए। आप चौधरी कह रहे हैं कि विधानसभा में जो शिलापट का उद्घाटन हुआ विधानसभा में, नीतीश कुमार का नाम है तो वो तुलवाए उसको बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी जी का छोड़िए ना, सम्राट चौधरी जी जो बोलेंगे वो कानून नहीं ना। सुशील मोदी कह रहे हैं सर इतना दिक्कत है तो नए संसद भवन में नहीं पैर रखे कभी विपक्ष के नेता। सुशील मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम हो। नीतीश जी, आपने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, उसमें राज्यपाल को नहीं बुलाया और आज आप मुद्दा बना रहे हैं कि संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया और ललन जी बयान दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो उस भवन का हम दूसरे काम में इस्तेमाल करेंगे। तो ललन जी, अगर हिम्मत है तो घोषणा कीजिए कि मैं उस भवन में पांव भी नहीं रखूंगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो इस्तीफा दे दूंगा। कर दे घोषणा, कर दे ऐलान। पक्ष विपक्ष की लड़ाई के बीच नए संसद भवन के उद्घाटन का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जया सुकिन ने एक जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह से बाहर करके सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा। इसमें मांग की गई है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही किया जाना चाहिए। इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछले 9 साल का इतिहास है कि विपक्ष ने पीएम मोदी के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। इस बार भी गोलबंदी बड़ी करने की कोशिश जरूर है लेकिन इस इमारत को बनाने में जिस तरह से रिकॉर्ड बना है वैसे ही इसके उद्घाटन में भी विरोधियों से ज्यादा समर्थकों के शामिल होने का रिकॉर्ड बनता दिख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।